ये देखिए, ये सारे बगुले हैं, बहुत सारे थे। हम लोग जैसे गाड़ी रोके तो बोल के कुछ कुछ बचे, जो टेढ़ी वाले बगुले हैं वो बच गए, बाकी सब उड़ गए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रहा है इसलिए आँख बंद हो रहा है। आज है वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। और अभी हम लोग जैसे आज फीमेल का स्पेशल डे होता है, गाड़ी पार हो रहा है, आज वुमेंस का ये स्पेशल डे है तो हम लोग भी कुछ स्पेशल वर्क पे निकले हैं, हम और मेरे पार्टनर। तो अभी यहाँ पे स्पेस अच्छा है, देखिए पूरा ग्रीनरी है, कुछ स्पेशल काम के लिए निकले हैं हम लोग, तो होपफुली अच्छा हो। और बस एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम वुमेंस डे स्पेशल पे। आज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का डे है, सभी लोग विश करते हैं कि हैप्पी वुमेंस डे, बट सिर्फ एक दिन स्पेशल नहीं होता है वुमेंस का, हर दिन स्पेशल होता है। और जितने भी वुमेंस हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, होममेड हो, घर पे रहने वाली हो, या कोई भी हो, हाउसवाइफ्स हो, छोटी बच्ची हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे वुमेंस दुनिया में स्पेशल होती हैं। मेल हो या फीमेल हो, कोई जेंडर ये नहीं होना चाहिए, सभी लोग स्पेशल होते हैं, स्पेशली वुमेंस के लिए मनाया जाता है ये दिन। तो जो भी लोग विश करते हैं हैप्पी वुमेंस डे आज के दिन, उनको हर एक दिन वुमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो बहुत लो साउंड में बोलती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती हैं, और बहुत सोच समझ के कोई भी एक्टिविटी करती हैं, कोई भी मूव उठाती हैं, तो लोग उसको समझते हैं कि वो बहुत वीक हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वुमेन का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है, वो बहुत आगे का सोच के कोई भी स्टेप उठाती हैं। और जितनी भी गर्ल्स होती हैं ना, उनको हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं पढ़ाई लिखाई, अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उसमें आगे बढ़िए और स्ट्रांग बनिए। और जैसे बोला जाता है कि वुमेन एक पावरफुल है, लेकिन हमारा सक्सेस तभी होगा जब हमें जेंडर इक्वालिटी मिलेगा। मेल और फीमेल को इस दर्जे पे नहीं नापा जाएगा कि जो स्ट्रांग है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो स्ट्रांग हो गया। जैसे मेल के पास ज़्यादा फिज़िकल स्टैमिना है तो वो स्ट्रांग हो गया, और फीमेल के पास फिज़िकल स्टैमिना नहीं है तो वो वीक है, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग इक्वल हैं, बाय ब्रेन बाय माइंड सभी इक्वल हैं। और हम एक ऐसे इंडिया में रहते हैं जो कि बहुत पहले स्वतंत्र हो चुका है, तो स्वतंत्र देश के नागरिक के अनुसार मेल हो फीमेल हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी लोग हो, जेंडर हो, सभी लोग इक्वल हैं। और जैसे हैप्पी वुमेंस डे होता है, वैसे हैप्पी मेल डे भी होता है। हम सभी को हर एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, हर एक दिन, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, आपके घर की मेड भी हो, सभी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, बाय रेस्पेक्ट बात करना चाहिए, और सभी नॉर्मल ऐसे ही लाइफ गुजारना चाहिए। और अब हम, ये तो मेरा सोच था, अब हम डॉक्टर सरिता से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं आज के वुमेंस डे स्पेशल पे। आइए, वुमेंस डे स्पेशल होता है और ऐसे सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या पता कब हमारे देश में वो उस सोच से हम लोग आज़ाद हो पाएंगे, नहीं मालूम, कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या मालूम कब इस सोच से आज़ाद होंगे, बिहार कब इस सोच से आज़ाद होगा, हमारे जो पूर्वज हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि ये लड़कियाँ हैं, ये रात में नहीं निकल सकती, ये काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके अंदर है स्टैमिना, जिनके अंदर डेयरिंग है, वो कर सकती हैं, जिनके अंदर नहीं है वो नहीं कर सकते। वो नॉर्मली वो अपना, जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हॉबी है, हमें वो करने देना चाहिए। सिर्फ एक इंसिडेंट के कारण किसी को नहीं रोकना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि उसके साथ हुआ था, उसको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, और ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी को होना होगा तो वो कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको डे में होगा या नाइट में होगा। हाँ, हमें प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेके हर एक काम करना चाहिए, अपना सेफ्टी देख के करना चाहिए, बट सिर्फ एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण हमें अपने काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इस सोच से बाहर आना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो। आज वुमेंस
वुमेंस डे है और मुझे लगता है कि वुमेंस डे ठीक है आज एक डे है हम सेलिब्रेट कर लेंगे, बट ये तो उस पर डिपेंड करता है जब इक्वालिटी आ जाएगी। जैसे हम लोग ये कंपेयर ना करें कि ये मेल है ये फीमेल है, तो मुझे लगता है कि वो जो दिन होगा ना वो मतलब वुमेंस डे होगा। और जैसे लोग सोचते हैं कि हम मेल हैं तो हम बाहर भी कर रहे हैं काम, मेरे ऊपर स्ट्रेस है, बट ऐसा नहीं है। फीमेल है वो घर में, अगर वो घर संभाल रही है ना तो ही आप जा कर के बाहर काम कर रहे हैं। मतलब वो लोग सुबह उठती हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, मतलब मैं भी बाहर काम, मतलब मैं भी क्लिनिक देखती हूँ, तो मेरी मम्मी सुबह उठती हैं मेरे लिए खाना बनाती हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा काम करती हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैं स्ट्रेस में हूँ या फिर कुछ ऐसा है, तो ये तो ठीक है स्ट्रेस में। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है मैं स्ट्रेस में हूँ, बट मुझे ये मतलब घर भी जाकर कि वो सुनाना नहीं चाहिए कि मैं इतना काम करती हूँ ये करती हूँ। वैसे ही मेल में भी होना चाहिए कि वो अपना जो भी गुस्सा है या स्ट्रेस है वो घर पे ना निकाले। मतलब उनको भी हक है खुश रहने का, बट वो खुश नहीं रहती है घर में कभी। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर जो भी है वो गलत है। वुमेंस डे तो तभी हम मुझे लगता है मेरे सोच से कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब इक्वालिटी आ जाएगी। चलिए तो अब आपने सुन लिया हमारा विचार, मेरा भी और डॉक्टर सरिता का भी। फिर अब हम लोग अपने सफ़र पे आगे बढ़ते, बहुत देर से रुक के आप बना रहे थे, अब निकलते हैं फिर और फिर मिलते हैं। देखिए देखते हुए जा रहे हैं इस नज़र से कि क्या कर रही है दोनों लड़की, यही नज़र को चेंज करना है इसी नज़र। तो गाइस जाते जाते एक और चीज़ बोलना चाहेंगे टू एवरी गर्ल एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, हमेशा चाहे आपका कोई कितना भी एज हो जाए, आप अपने अंदर के जो एक छोटा सा बच्चा होता है चाइल्डिश नेचर वाला, उसको हमेशा जगा के रखिए, ये ना जगा के रखिए। और ये समझ जाइए हमारे लाइफ का बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे लाइफ को स्मूथ बना सकता है। तो हमें हमेशा अपने अंदर के एक बच्चे, जो हमारे अंदर बच्चा छोटा सा छुपा रहता है ना, उसको हमेशा जगा के रखना चाहिए और हमेशा लाइफ के छोटे छोटे पल को इंजॉय करना चाहिए। मेरे अंदर का बच्चा अभी भी ज़िंदा है बचा के रखे हैं, इनके अंदर का भी, हम दोनों के अंदर का है। हाँ, जहाँ पे हमें सीरियस होना पड़ता है वहाँ पे होते हैं, और जहाँ पे हमें मस्ती करना होता है हम मस्ती करते हैं। तो स्ट्रेस भी होता है उसमें, हम लोग सैड भी होते हैं, बट फिर भी जगा के रखें। तो आप भी प्लीज़ जगा के रखें अपने लाइफ को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना बनाएं। और आपको जिस चीज़ में मन लगता है स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, कुकिंग करने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, शॉपिंग करने में, बेफिक्र होके करिए, एक ही लाइफ है, अच्छे से जीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।